उत्तराखंड में उत्तरायणी मेले का महत्व अपना ही है। यह मेला लोगों को उत्तराखंड की जो संस्कृति है उससे करीब लाता है। हल्द्वानी का उत्थान मंच भी हर साल उत्तरायणी मेले का आयोजन करता है और हमारे साथ मौजूद हैं जोशी जी, जो पिछले 41 साल से इस मेले का पार्ट रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरीके से इतिहास है हल्द्वानी के इस मेले का। सर सबसे पहले तो नमस्कार। सर किस तरीके का इतिहास है उत्थान मंच में होने वाले इस मेले का? सन 1982 से इस पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के इस मैदान में उत्तरायणी पर मन मनोर जाना है, मतलब घुटिया तैयार भाई, तो हमारा असल में तो हमको घुटिया तैयार करने रहे ना, तो घुटिया तैयार भाई, घुटिया तैयार मन ही जाओ। अब सवाल ये हो चुके भाई तुम्हें जो के लिए चुनो किले की जो कि जो हमार मकर संक्रांति हूँ वो 14 जनवरी में पड़े हमेशा, बहुत कम मतलब 15 जनवरी हूँ या 14, तो हमें कहो कि जो ही हम 14 जनवरी हैं क्या अपन ये मकर संक्रांति का ही अपन खास पर्व मानू हम यहाँ पहाड़ में, तो अब जो 40 साल पूरा हुए 41वां साल में हम चल रहे हैं, तो एक ये हमारे मतलब 40 साल पहले ये देखी गो कि जो हमारे नानतिन जन हमारे जो पीढ़ी छू हमारे आने वाली पीढ़ी छू वो हमारे बोली भाषा रीति रिवाज हमारे संस्कृति को भूल ना करेंगे भी, तो भाई उनका जो चीज़ें परिचय करने लीजिए भाई हमारे बोली के छू हमारे भाषा के छू हमारे संस्कृति के छू हमारे त्यौहार के हुनी वो सब पत्र करने लीजिए। ये पर्वती सांस्कृतिक उत्थान मंच स्थापना करी गए और यो उत्तरायणी पर्व जो हम जैसे आप 8 दिन में याद कर लो, यहाँ पहली 3 दिन खुशी अब ये 8 दिन हूँ। जो इसकी शुरुआत कैसे हुई हल्द्वानी में आप बोले तो शुरुआत कैसे हुई इसकी? हल्द्वानी शुरुआत 1981 में जी, अभी मैं बता ना कि हमारे जो लच हुई हो हमारे बोली भाषा यो छू ना, तो मतलब लोगों को इकट्ठा करी हो कि भाई हम आप संस्कृति के आगे बढ़ने लीजिए क्या कर सकूँ कभी, तो लोग ना ये कभी एक संगठन बढ़ाओ, संगठन बढ़ाबे तब हम आप बात लोगों तक कह सकूँ, तब पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच बढ़ाई गो उभत करें 1982 में और 1982 बटी आज 2022 है, बल्कि 2023 है, 2023 में मतलब 40 साल पूरे हो गए, 41 सालों ये चल रहा है, तो ये लीजिए कि हमारे जो बोली हमारी भाषा हमारी संस्कृति हमारे तीज त्यौहार हमारे जो उन्ने वाल पीढ़ी छू वो कह प्राप्त हों वो सीखो या कह देखो या कह कि तो और हमारे जो एक भावनात्मक एकता जो उला मतलब पहले हम जागृत कर लीजिए कि भाई हम पहाड़ छा के भी हम उत्तराखंडी छा हम पर्वतीय छा यो भावना है जो मेला बटी पैज हूँ लोगों ने कभी। पहले देखते थे कि यहाँ पर जब मेला लगता था जो स्टॉल लगे रहते थे वो बड़े लगाते थे, लेकिन अब युवा भी काफी दिलचस्पी उसमें दिखा रहे हैं। एक चीज में बतूँ मैं जो यहाँ स्टॉल लगनी है जैसे 120 स्टॉल लग रही है, तो हमें यह लगा लो कि 40 स्टॉल तो हमारे स्वयं सहायता समूह लीजिए से, क्योंकि हम ये चाहूँ कि जो हमारे पहाड़न में स्वयं सहायता समूह छन उनके मार्केट मिलो बाजार मिलो, वो बेचार मुंगड़ी बड़ी दाल प्रसादन करनी गहत भट्ट अचार बनोनी स्वेटर बनोनी और तमाम कपड़े बनोनी, तो उनके बाजार नहीं मिलन, तो हमारे जब 1982 में जब ये शुरू करो तो हमारे पहली प्रयास यही थी जो हमारे महिला शक्ति थी उसका सशक्त करने लीजिए उन वो जो उनका जो महिला समूह छ जो उत्पाद बढ़ोनी उस उत्पाद का एक बाजार मिलो, तो हमारे पहले प्रयास यही हूँ कि हम सबन ज़्यादा स्टार ये महिला समूहों को देंगे। सर अब आप देखते हैं कि छोटे बच्चे भी काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उत्थान मंच में का मेला शुरू होगा। हाँ अब पहले तो बहुत बुजुर्ग लोग थी, अब हमारे जो युवा पीढ़ी थी युवा पीढ़ी मेला एक भावना तो जागृत आ गई कि भाई उत्थान मंच हमार छू ये हमारे पर्वतीय संस्कृति छू या हम इनका लगाव छू, तो ये दिखो लीजिए कि भाई हम पर्वतीय चाह पर्वतीय संस्कृति पे हमार लगाव छू, तो उन्हें हम बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी करने गई, यही नहीं वो स्टॉल लगने लग रही तमाम दुकान व्यापार रोजगार उनको मिलने लग रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। आपने सुना जोशी जी को जो पिछले 41 साल से यहाँ पर उत्थान मंच में मेले का आयोजन जो हो रहा है उसके सदस्य रह रहे हैं और उन्हें बताया कि जो उत्थान मंच का मेला है जो यहाँ पर उत्तरायणी का मेला लगता है वो उत्तराखंड के लोगों को उनकी संस्कृति के करीब लाता है, बच्चों को जोड़ता है और बताता है कि क्यों उत्तराखंड के लिए उसकी संस्कृति को बचाना बेहद जरूरी है। हल्द्वानी लाइव.com के लिए पंकज पांडे।